हरदी घाटी में। हरदी घाटी में समर लड़ो, अरे वो चेत करो असवार कठे, मायड़ थारो वो भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो वो भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। एक निवेदन करूंगा, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जो विराजित है वे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा। अरे मैं बाँचो है इतिहास में, मैं बाँचो है इतिहास में, मायड़ थे एड़ा पूत जड़ा, मायड़ थे एड़ा पूत जड़ा, मायड़ थे एड़ा पूत जड़ा, मन पान ल जायो नी थारो, मन पान ल जायो नी थारो, रणधीरा बे सरदार बणा, रणधीरा बे सरदार बणा, रणधीरा बे सरदार बणा, बैठारे मन सुमा लीला, सारा परिया उनरे आगे, वो झुकियो नहीं नर नारियो, अकबर री सहारे आगे, हिंदुआ सूरज में मारी रतनी, हिंदुआ सूरज में मारी रतनी, वो महाराणा प्रताप कठे, मायड़ थारो कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। और अकबर का युद्ध किस स्थान पर हुआ, कहा हुआ युद्ध, कहा हुआ, एक बार जोर से बोले, कहा हुआ, हरदी घाटी। तो वहां की माटी भी हरदी के रंग की,
कहीं कहीं लाल, कहीं कहीं पीली। तो ये क्यों कि वहां पर इतना भयंकर युद्ध हुआ। आ माटी और मैंने वहां पर कार्यक्रम किया, ये देखा नाना लाल जी कि इतना विहंगम दृश्य, कैसे वो अकबर की पूरी फौज से एक योद्धा लड़ा। आ माटी माटी आ माटी आ माटी हल्दी घाटी री, आ माटी हल्दी घाटी री, लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है। अरे माथे पे तिलक करा इन रो, माथे पे तिलक करा इन रो, इन माटी ने नित वंदन है, इन माटी ने नित वंदन है, इन माटी ने नित वंदन है। चारण भूमि तीरथ भूमि, चारण भूमि तीरथ भूमि, दर्शन करवा मन लल जावे। वीर सूर माटी आदा हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे। और स्वामी भक्ति चित्त करी, और स्वामी भक्ति चित्त करी, टप 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 टप। सभी के दोनों हाथ ऊपर, जैसे राणा के चेतक के टापों की आवाज थी, आप सभी के ताल की आवाज आए। टप 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 आवाज है आज कठे। मायर थारो वो फूट कठे, एक लिंग की मान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। जिस समय अकबर और महाराणा प्रताप का ये युद्ध चल रहा, पुष्प विमान से भगवान शिव और पार्वती जी का निकलना हुआ। पुष्प विमान से देखा कि नीचे पृथ्वी पर, धरती पर एक योद्धा पूरी फौज से लड़ रहा। उस समय भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, कल्पना माधव जी दर्ग की, बोले हल्दी घाटी राटीला सो, हल्दी घाटी राटीला सो, शिव पार्वती युद्ध देख रहा, शिव पार्वती युद्ध देख रहा, शिव पार्वती युद्ध देख रहा। बेवाड़ी वीरा दी ताकत, बेवाड़ी वीरा दी ताकत, अपनी निजरा में तोल रहा, अपनी निजरा में तोल रहा, अपनी निजरा में तोल रहा। अरे बोला शिव जी सुन पार्वती, बोला शिव जी सुन पार्वती, देवाड़ भोमरी बलिहारी, जो हाचा कर्म करे जग में, ते अठे जन्म ले नर नारी, ते अठे जन्म ले नर नारी, ते अठे जन्म ले नर नारी। और समय
भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि मैं पर्वत कैलाश पर नहीं, मैं मेवाड़ में रहता हूं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेवाड़ में किस जगह रहते हैं? कितना सुंदर उत्तर दिया, आज भी वो वृतांत है। आज भी ये बात मैं जो कह रहा हूं, ये बिल्कुल उस सत्य के प्रकाश में इस बात को मैं कर रहा हूं कि शिव का वास कहां पर है, शिव मेवाड़ में कहां विराजित है। तो शिव जी ने कहा, मौसम एक लिंग रूप धरा, मैं स्वयं एक लिंग रूप धरा, सतिया सु बैठो भला थे, मायड़ थारो वो भूत कथे, एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे, वो महाराणा प्रताप कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। Oh,